राखी सावंत का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिनमें उन्हें रोते बिलखते हुए कहते हुए सुना जा सकता है कि आदिल ने शादी को मानने से इनकार कर दिया है। राखी ने दावा किया कि उन्होंने 7 महीने पहले बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी संग निकाह किया था। दोनों ने जुलाई 2022 में कोर्ट मैरिज और निकाह नामा किया था। इसके बावजूद आदिल ने इस निकाह को कबूल करने से मना कर दिया है। पेपराजी के शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक राखी रोते हुए नजर आ रही है। इस दौरान वो कहती है कि कोर्ट में सभी कागजात दिए हैं, आप लोग वो चेक कर लीजिए। इसके बाद रोते हुए राखी कहती है कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। पेपराजी के आदिल द्वारा 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सवाल पर भी राखी कोई जवाब नहीं देती है। इसके अलावा राखी सावंत से बेगम फातिमा बनी ड्रामा क्वीन ने भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद राखी ने उनके साथ अपना दर्द साझा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी ने मोनालिसा से कहा, मेरा पति आदिल दुर्रानी एक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने मुझसे निकाह किया है। उसने इस बात से साफ मना कर दिया है। बता दे कि कुछ ही दिन पहले राखी सावंत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर निकाह की कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, आखिरकार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और शादी कर ली है। मेरा प्यार आपके लिए हमेशा अनकंडीशनल है आदि।